स्टूडेंट्स, आज मैं फिर तुम्हें स्टैंडर्ड 10 का कृतिका के माता के आंचल कहानी का क्वेश्चन आंसर आज मैं खत्म कर रहा हूँ। आज जो क्वेश्चन तुम्हारा होगा, दो दो क्वेश्चन, उसके बाद माता के आंचल का ये क्वेश्चन आंसर हो गया है। पहला क्वेश्चन, लास्ट वाला, बच्चे माता पिता के प्रति अपनी प्रेम को किस तरह अभिव्यक्त करते हैं, मैं किस तरह जताते हैं। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को समझिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को किस तरह अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अनेक प्रकार की तरह व्यक्त करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट इसको बता रहा हूँ। पहला, शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है। मतलब शिशु के जिद में अगर वो जिद भी करते हैं बच्चे, तो उसमें भी माता पिता को अच्छा ही लगता है, प्रेम का उसमें प्रकटीकरण है। नंबर दूसरा, शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु के माता पिता के प्रति, दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। अब दूसरा है कि शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना मुश्किल होता है कि माता पिता का स्नेह या तो शिशु के प्रति है या शिशु को माता पिता के प्रति प्रेम है, ये दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। कहने का मतलब, शिशु को माता पिता से भी प्रेम है और माता पिता को भी शिशु से प्रेम है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। नंबर 3, शिशु की मुस्कुराहट, शिशु का उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं यानी खेल करके अपने प्रेम का प्रकटीकरण करता है। शिशु का मुस्कुराहट जो होता है वो भी प्रेम को जताता है। शिशु का उनकी गोद में जाने की ललक, मतलब माता पिता के गोद में जाने की जो ललक होता है वो भी प्रेम दर्शाता है। उनके साथ यानी माता पिता भी बच्चों के साथ विविध प्रकार के क्रीड़ाएं यानी खेल खेलते हैं, मजाक करते हैं बच्चों को आनंद देने के लिए। माता पिता अपने प्रेम का प्रकटीकरण करता है। बच्चों के साथ, शिशु के साथ माता पिता भी उसके साथ खेलकर उनके प्रेम को प्रकटीकरण करता है। कई तरह के खेल खेलते हैं माता पिता शिशु के साथ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कई तरह से व्यक्त करते हैं और वो समझते हैं कि माता पिता से लाड़ प्यार हमें क्रीड़ा के रूप में या अनेक प्रकार के खेल खेलकर उनको करते हैं। दूसरा प्रश्न, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न? मना इस कहानी को जब तुम पढ़ोगे ना, तो सारा कहानी बच्चों पर ही आधारित है, पूरा कहानी बच्चों पर ही आधारित है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई, वही कह रहा है कि इस क्वेश्चन को समझिए पहले। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, किस तरह अलग है? आपकी जो दुनिया था बचपन की दुनिया और वो 30 दशक के पहले की दुनिया में क्या अंतर दिखाया गया है? अब देखिए उसका उत्तर समझिए। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। मना इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो पूरी तरह से ग्रामीण पर आधारित है। यह पाठ में 30 या 40 के दशक के आसपास का वर्णन है। आज से 30 वर्ष या 40 वर्ष पहले के दशक को का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश में चारों ओर उगी फसलें, उसके दूध भरे दाने चुगती, चिड़ियां बच्चों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास करना,
उन्हें उड़ाना, माता द्वारा बलपूर्वक बच्चों को तेल लगाना, चोटी बांधना, सब में को मदते जाइएगा, कन्हैया बनाना, साथियों के साथ मस्ती पूर्वक खेलना, आम के बाग में वर्षा में भींगना, बिच्छुओं का निकलना, मूसन तिवारी को चिढ़ाना, क्या कह के चिढ़ाता था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी को बड़ा छकछका के लगता था, इस बात पर वो बच्चों को लाठी मारते थे दूर से ही। चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकल जाना, सब कुछ हमारे बचपन से पुरनयातया भिन्न है। जिस प्रकार से कि बचपन में आज से 30-40 साल पहले ये व्यवस्था था, आज वो हमारा हम लोगों के बचपन में वो नहीं है। इस प्रकार से हमारे बचपन से वो एकदम भिन्न अलग है। आज 3 वर्ष होते ही बच्चों को नर्सरी या प्रीपेटरी कक्षाओं में भर्ती करा दिया जाता है। आज के युग में वो जो युग था, और आज के युग में जैसे 3 वर्ष बच्चे होते हैं, उसके माता पिता उन्हें नर्सरी कक्षाओं में डाल देते हैं। उनके खेलों के सभी सामान दुकान से खरीदे होते हैं, उनका जो सामान है वो सभी सामान दुकान से खरीदे होते हैं। जिस धूल में खेल कर ग्रामीण बच्चे बड़े होते हैं तथा मजबूत बनते हैं, आज हाँ, वो व्यवस्था उनके पास आज के बच्चे में वो नहीं है। वो धूल में कभी भी नहीं खेल पाते हैं। आज माता पिता के पास बच्चों के लिए भी समय नहीं है। आज माता पिता कोई ऑफिस में जाते हैं, कोई सरकारी नौकरी करते हैं, तो उसे बच्चों के साथ खेलने में टाइम नहीं मिलता है। इस प्रकार वो बच्चे क्या होते हैं, खेल से परे होते हैं। ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, टीवी वीडियो देखकर अपनी शाम तथा समय को बिताते हैं। कहने का मतलब कि आज से 30-40 वर्ष पहले जो बच्चों का जीवन था, वो ग्रामीण परिवेश में ही पला हुआ था। वो ग्रामीण उसका खेल जो होता था वो अपने द्वारा निर्मित करते थे। इस जैसे इसमें दिखाया गया है, बच्चों को जबरदस्ती माता उनको तेल लगा देती थी, वो कन्हैया बन जाते थे। आम के बगीचे में जब वर्षा होने लगा, बिच्छू निकलने लगा, तो वहाँ बच्चे भागने लगे, मूसन तिवारी को चिढ़ाते थे। ग्रामीण परिवेश में उगी फसलें, चिड़ियों को दाना चुगना, ये सब वर्णन है। लेकिन आज के युग में, हमारे जीवन में आज के युग में क्या होता है, जैसे ही बच्चे पहले बच्चे धूल में खेलकर ही स्वस्थ रहते थे और वो ग्रामीण परिवेश में रहते थे, लेकिन आज के परिवेश में जैसे ही बच्चा 2-3 साल का होता है, उसे नर्सरी में डाल दिया जाता है। खुद माता पिता के पास उन्हें उनके साथ रहने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हर माता पिता कहीं न कहीं नौकरी व्यवसाय में रहते हैं। इसलिए आज के परिवेश में जो बचपन में हमारे 30-40 वर्ष जो पहले था, वो आज अब नहीं है। धन्यवाद।